ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन और पदक की संभावनाओं पर पूर्व ओलंपिक निशानेबाज रंजन सोढ़ी के साथ आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की विशेष बातचीत। श्रोताओं, अब जबकि ओलंपिक खेलों के आयोजन में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, आकाशवाणी समाचार द्वारा शुरू की गई विशेष श्रृंखला में हम आज बात करेंगे निशानेबाज रंजन सोढ़ी की। रंजन एक भारतीय डबल ट्रैप शूटर हैं, जिन्होंने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में 2 रजत पदक और 2010 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। 2011 में वो विश्व कप खिताब को डिफेंड करने वाले पहले भारतीय बने। रंजन को शूटिंग में विशेष योगदान के लिए भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार और खेलों के सबसे बड़े सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। रंजन, आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजों का प्रदर्शन किस तरह का रहने वाला है? कुछ सालों से आप देख रहे हैं तो इंडियन जो शूटर्स हैं, ये बड़ी यंग टीम है एंड वेरी प्रॉमिसिंग, प्रदर्शन अच्छा रहेगा। बट आप ओलंपिक्स के बारे में कुछ कह नहीं सकते। जब मैं ओलंपिक्स में गया था, वाज वन ऑफ द फेवरेट, बट मेडल नहीं आया। इसमें ये होता है कि 4 साल में एक बार आपने कम्पीट करना, कुछ चंद पल ही होते हैं, कुछ घंटे ही होते हैं, तो उसमें ना एक लक भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं समझता हूँ कि 4 मेडल तो हमें आने चाहिए। रंजन, शूटिंग के सफर पर नजर डालें, जो भारतीय शूटर्स हैं उनके सफर पर, तो हमारे देश के शूटर्स ने एक से बढ़कर एक कामयाबी हासिल की है, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं हमेशा सबको कहता हूं कि हम एज इंडियंस वी आर वेरी गुड इन स्किल स्पोर्ट्स। तो जैसे आप आर्चरी देख लीजिए और बाकी देख लीजिए, हमने अच्छा प्रदर्शन किया है और सरकार ने बहुत सपोर्ट भी किया है। मैं समझता हूं कि इस बार भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा और दोबारा अच्छा करेंगे। रंजन, आप अपने जीवन में सबसे बड़ी कामयाबी किसे मानते हैं? जो मेरा फर्स्ट मेडल था 2007 में सेंटो डोमिंगो में, मैं अभी तक उसको सबसे बड़ा मेडल मानता हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट मेडल होता है बड़ा मुश्किल से जीतते हैं, उसके बाद यू गेट कॉन्फिडेंस। उसके बाद तो बहुत मेडल जीते, मेरे पास 12 मेडल हैं वर्ल्ड कप के, वर्ल्ड चैंपियनशिप के हैं, वर्ल्ड कप फाइनल के हैं, बट वो जो फर्स्ट मेडल था वो सबसे मुश्किल था जीतना, उसको मैं हमेशा से वेरी क्लोज टू माई हार्ट। रंजन, आपने शूटिंग को ही बतौर स्पोर्ट्स अपना करियर क्यों चुना और आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई, कैसे लगा कि आपको शूटिंग में जाना है? मैं तो पहले फुटबॉल खेलता था स्कूल में, फिर एक दिन मेरे फादर मेरे को यहाँ करने से शूटिंग रेंज पे ले गए और मैंने कुछ गोलियां चलाई और अच्छी चलाई। उसके बाद एज अ हॉबी शूटर चलाता था, बिकॉज आई वाज डूइंग माय स्टडीज अलोंग साइड एंड ऑल दैट, टाइम नहीं निकलता था तो मुश्किल होता था, तो उस टाइम तो बस कभी कभी वीकेंड में आके चला दे। बट जब राठौर जीते उसके बाद थोड़ा सा सीरियसनेस आ गई स्पोर्ट में, एंड देन आई आल्सो स्टार्टेड यू नो ट्रेनिंग क्वाइट हार्ड। किस उम्र से आपने शूटिंग में मतलब ये सोचा कि मुझे इसे सीरियसली लेना है और ये मेरा करियर है? देखिए, वैसे बता रहा हूँ, मैं तो एज अ हॉबी शूटर था, बट आई थिंक आफ्टर 2004 मैंने काफी सीरियसली ट्रेनिंग करी और कोचिंग भी ली। वन ऑफ माय बेस्ट, वन ऑफ द वेरी गुड शूटर्स वाज माय फर्स्ट कोच रसल मार्क, एंड वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो जब कोई आपका टीममेट है वो इतना बड़ा मेडल जीतता है तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है सबको, यू नो, कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। सो आई थिंक दैट वॉज टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन शूटिंग। और रंजन, आपको बहुत सारे देश में बिजनेस सुन रहे हैं और वो स्पेशली मैं उन यूथ की बात करूंगा जो शूटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर किस तरह के स्किल्स होने चाहिए, कैसे उसे पता लगेगा कि हाँ ये उसके लिए सही करियर होगा? देखिए, शूटिंग इज अ मेंटल स्पोर्ट, यू नो, लाइक ऑलवेज बिटवीन द 2-6 इंचेस बिटवीन योर इयर्स, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। अगर आप में अपना बिलीफ है कि हाँ कर सकते हो, डिटर्मिनेशन है, तो नथिंग कैन स्टॉप यू। सो एक सेल्फ बिलीफ इज वन ऑफ द थिंग्स दैट मैं सबको कहूंगा यंगस्टर्स को, कि अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ। दिस इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल दैट यू नीड। रंजन, हमारे देश में जो शूटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या फैसिलिटीज हैं, उस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं हमारे देश में? मैं समझता हूँ कि पिछले 6-7 साल में बहुत रेंजेस बनी है और अच्छी क्वालिटी की रेंजेस बनी है, और जैसा अगर हमारे आप करने से रेंज देखे हैं दिल्ली में, वन ऑफ द बेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, यू नो, पहले इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बट अब मैं समझता हूँ कि छोटे छोटे शहरों में भी, इवन विलेजेस में 10 मीटर की राइफल और एयर पिस्टल की रेंजेस तो बन गई है। रंजन, अगर हम देखें तो इस समय सरकार ने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं, चाहे हम खेलो इंडिया की बात करें, हम टॉप्स स्कीम की बात करें, ओलंपियंस की तैयारी के लिए सरकार ने शुरू की, तो तरह तरह से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो फ्यूचर ओलंपिक्स हैं, भारत के खिलाड़ी और बेहतर प्रदर्शन करें, उसकी तैयारी हम आज से ही शुरू कर दें, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत ज्यादा सपोर्ट किया सरकार ने लास्ट कुछ सालों में, जैसे आपने मेंशन किया खेलो इंडिया का, इससे यंगस्टर्स को, बच्चों को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, फंडिंग मिल रही है। शूटिंग अब एक्सपेंसिव स्पोर्ट, तो अगर आप गवर्नमेंट फंडिंग ना मिले, गवर्नमेंट सपोर्ट ना
आते हैं, तो बड़ा मुश्किल है इसमें करियर बनाना। मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने शुरुआत करी है आने वाले समय में बहुत मेडल जीतेंगे और ओलंपिक्स में भी जीतेंगे। रंजन, इस समय गेमिंग की अगर हम बात करें तो गेमिंग को काफी प्रमोट किया जा रहा है और शूटिंग में, इस समय वीडियो गेमिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें भी बहुत सारे जो बच्चे हैं कई बार बहुत अच्छा मतलब शूट करते हैं, तो क्या ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है जो उसमें बहुत अच्छे स्किल्स दिखाते हैं? नहीं जी, थ्योरी प्रैक्टिकल में फर्क होता है। गेमिंग तो ठीक है, बट आई वुड से यू नो व्हेन यू ऑन द फील्ड इट्स डिफरेंट है, तो वीडियो गेम नहीं है ये, स्पोर्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट। सो बट ये है कि इससे क्या होता है कि बच्चों को इंटरेस्ट आ जाता है, देखते हैं, खेलते हैं, अगर वीडियो गेमिंग करते हैं तो एक इंटरेस्ट आ जाता है। और उसके अलावा मैं नहीं समझता कि अगर आप गेमिंग में अच्छे हो तो प्रैक्टिकल शूटिंग में भी अच्छे होंगे। रंजन, अगर हम देखें तो शूटिंग के कई सारे स्पर्धाओं में हम वर्ल्ड नंबर वन है, और रंजन आपने तो वर्ल्ड नंबर वन जो अपनी रैंकिंग है उसको डिफेंड भी किया था, तो यू वर द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ऐसा कर पाए थे, तो कितना बड़ा अचीवमेंट आप इसको मानते हैं और आपकी फीलिंग्स क्या थी उस वक्त? देखिए, वर्ल्ड नंबर वन किसी स्पोर्ट में हो, किसी डिसिप्लिन में हो, इज वर्ल्ड नंबर वन। तो मैं समझता हूँ कि आई वाज फॉर्चुनेट, आई वाज वर्ल्ड नंबर वन फॉर क्वाइट सम टाइम, और इसमें बस ये है कि बट ये रैंकिंग कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रेशर, बस लोगों की एक्सपेक्टेशन हो जाती है आपसे। अगर आपकी रैंकिंग 1 से 3-4 हो जाएगी तो कहेंगे आई आर आउट ऑफ फॉर्म, उसको डिफेंड करना, उसको मेंटेन करना एक प्रेशर वाला काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। और हमेशा जब भी आपके बारे में कोई पढ़ता है तो ये चीज जरूर आती है कि यू आर द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इसको बरकरार रखा अपने इस खिताब को, तो ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? बहुत चैलेंजिंग है जी, वर्ल्ड नंबर वन तो एक चीज है। सो मैं इनफैक्ट आई एम नॉट मिस्टेकन, आई वाज इन टॉप 10 ऑफ द वर्ल्ड फॉर अबाउट 7-8 ईयर्स। तो लोगों ने, मीडिया वालों ने मेरा नाम दिया था मिस्टर कंसिस्टेंट छोटी, तो कंसिस्टेंसी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डिटर्मिनेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। सो आई वाज फॉर्चुनेट दैट आई कुड पुट इन दैट एंड आई हैड अ गुड टीम विद मी। कोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपका साइकोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट, तो मेरी टीम बड़ी अच्छी थी, तो मेरे को हर तरह से सपोर्ट मिलता रहा। और रंजन, आप अपने टाइम के ओलंपिक में और आपके ओलंपिक में क्या डिफरेंस देखते हैं शूटिंग के क्षेत्र में? प्रोफेशनलिज्म बहुत आ गया, टेक्नोलॉजी के यूज बहुत ज्यादा लोग करने लगे हैं। हमारे टाइम में कोई वीडियोग्राफी नहीं होती था, तो छोटी छोटी चीज कोचेस वो भी करते हैं, तो मैं समझता हूँ प्रोफेशनलिज्म बहुत आ गया है और कंपटीशन भी ज्यादा बढ़ गया है, और उसकी वजह से लोग मेहनत भी ज्यादा करते हैं। रंजन, आकाशवाणी समाचार ने लोगों को ओलंपिक से जोड़ने और खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने के लिए ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, क्विज की शुरुआत की है, जिससे पूरे देश से लिसनर्स जुड़ते हैं और इसके जरिए जो खिलाड़ी हमारे ओलंपिक में जा रहे हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं। आप आकाशवाणी समाचार की इस पहल पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है जी, मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से स्पोर्ट्स समथिंग ये कंटिन्यू रखना चाहिए। कभी कभी स्पोर्ट्समैन को बुला के उनसे पूछना चाहिए उनकी जर्नी के बारे में, बिकॉज हमेशा क्या होता है ओलंपिक से कुछ दिन पहले हम बात करते रहते हैं ओलंपिक्स और उसके बाद भूल जाते हैं। तो आई थिंक इसे बहुत अच्छी शुरुआत, और स्पोर्ट्स के लिए मैं समझता हूँ जितना टाइम थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं इससे स्पोर्ट्समैन को बहुत अच्छा लगता है और एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे साथ सारे लोग जुड़े। रंजन, इस समय जो हमारी ओलंपिक टीम जा रही है टोक्यो में शूटिंग टीम के लिए, आपका क्या मैसेज है? आप एक वेटरन शूटर रह चुके हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इट्स अ शूटिंग फेस्टिविटीज, इट्स अ फेस्टिवल, जाके एंजॉय योरसेल्फ, किसी चीज के बारे में ना सोचो, जस्ट गो एंजॉय योरसेल्फ, मिडल अपने आप आ जाएंगे। और रंजन, आकाशवाणी समाचार के जो श्रोता हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? सबको ये बोलूंगा कि अभी हाल में ड्यूरिंग कोविड आपने देखा होगा लोग साइकिलिंग करने शुरू कर दिए, लोगों ने वॉक करना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज करने शुरू कर, लोग कितने फिट भी हो गए। एक स्पोर्ट्स के माध्यम से यू ऑलवेज स्टे हेल्दी, योर माइंड ऑल्सो स्टेज हेल्दी, योर बॉडी ऑल्सो स्टेज हेल्दी। मैं तो ये समझूंगा स्पोर्ट्समैन के साथ जुड़िए और बच्चों को इंकरेज करिए स्पोर्ट्स खेलने के लिए, और सारा टाइम कमरे में बैठ के वीडियो गेम बच्चे जो खेलते हैं और जो टीवी देखते हैं, उसके अलावा अगर थोड़ी देर बाहर जाके कुछ स्पोर्ट खेलेंगे तो इससे हम स्पोर्टिंग कल्चर एक नेशन ऐसा बनेगा जहाँ स्पोर्टिंग कल्चर। आकाशवाणी समाचार से आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे टोक्यो ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन और पदक की संभावनाओं पर पूर्व ओलंपिक निशानेबाज रंजन सोढ़ी के साथ आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।